सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए अपने सहयोगियों के पास चलती हूं। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख खबर लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में आज मतदान हुए हैं, लेकिन मतदान का जो परसेंटेज हुआ है वो अभी संतोषजनक नहीं रहा है। चुनाव आयोग बहुत प्रचार किया, बहुत प्रसार किया, और ये कम से कम मिला जुला करके 80-85% मतदान होने पर ही संतोषजनक बात होती लोकतंत्र के लिए। क्योंकि जब तक पूरे लोग मतदान नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई फैसला आना जीत हार का ये जायज नहीं हो पाएगा और उस पर फैसला भी नहीं हो पाएगा। दूसरे चरण की वोट प्रतिशत कम आई है, इसे लोग नाखुश है। चलिए अपने दूसरे सहयोगी के पास चलते हैं। हाँ, महेश जी, क्या है आज? अगर रांची की प्रमुख खबर की बात की, आज डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन हुआ, कम से कम 35 प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। उस समय एक अजीबो गरीब स्थिति में एक अंजनी कुमार पांडे प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी नंग धड़ंग तो नहीं बोल सकते हैं, वो बस गंजी नहीं पहने हुए थे और वो अपने नॉमिनेशन करने आए थे। उन्होंने बताया उनकी खास मकसद था कि यहाँ की जो प्रत्याशी है वो गरीबों के लिए काम करते हैं, जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने हमें प्रत्याशी खड़ा किया है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए अभी तक काम करते आए, हमने किसानों के लिए काम किया है और आगे भी करते। आज CRPF कमांडिंग ऑफिसर ने एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 154 कंपनी CRPF आएंगी, जो कि राज्य में फोर्थ फेज के इलेक्शन में डिप्लॉय होंगी। भोपाल से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि साध्वी प्रज्ञा, जो फिलहाल भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सहयोगी पार्टी वर्कर्स को बताया कि किस तरह से उन्हें जेल के अंदर जेल ऑफिशियल प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने साल भी वो जेल के अंदर रही कभी भी उन्हें फ्रीडम महसूस नहीं हुई अपने हिसाब से अपने डिमांड को रखने के लिए। जी, प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को दौरा होना है लोहरदगा को लेके, तो उसी को सुरक्षा को ब्रीफ करने के लिए IG नवीन कुमार और DIG ने आज लोहरदगा का दौरा किया और वहाँ पे सुरक्षा का जायज़ा लिया कि बलदेव साहू कॉलेज में उनका प्रोग्राम होना है तो क्या क्या वहाँ पे रहेगा, और वहाँ पे माओइस्ट के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया गया है ताकि वहाँ पे जो नक्सली मौजूद हैं उनको उस वक्त वहाँ से हटाया जाए। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए आज दूसरे फेज का नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और इसमें एक बहुत ही उल्लेखनीय बात सामने आई है। ये 4 सीटों पे चुनाव होना है, रांची, हजारीबाग, खूंटी और कोडरमा। इन 4 सीटों पर राज्य के बड़े नाम चुनाव लड़ रहे हैं। रांची में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय चुनाव मैदान में हैं। हजारीबाग में अभी केंद्रीय मंत्री हैं ही जयंत सिन्हा हैं, और कोडरमा में राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे बाबूलाल मरांडी हैं, राज्य में मंत्री रही अन्नपूर्णा देवी हैं और राजकुमार यादव भी हैं। आज की सबसे अहम तरीन खबर जो है सोना खान का कहना कि भाजपा गवर्नमेंट ने अकलियतों का बड़ा विकास किया है, बहुत तरक्की की है। हकीकत में यह ज़मीन की बात नहीं है, यह आसमानी बात हो सकती है, आसमानी फायर हो सकती है, ज़मीनी सतह में कुछ दिखाई नहीं देता है। आज के प्रमुख खबरों के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी। नमस्कार।